लगी है जोरों की भूख और मेहनत करने का मन नहीं कर रहा है, तो चलिए बनाते हैं बहुत ही झटपट वाली सूजी से बनने वाली एकदम ब्रेड जैसी सॉफ्ट सॉफ्ट और जालीदार नाश्ता, जो आप सुबह नाश्ते में बना सकते हैं, शाम के चाय के वक्त बना सकते हैं, चाहे आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बच्चे सारे लंच बॉक्स को फिनिश करके आएंगे, बहुत ही टेस्टी लगता है, तो चलिए इसे बनाते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप सूजी लिया है और ये मैंने बारीक वाली सूजी ली है। आप कोई भी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है आप उससे भी इस नाश्ते को बहुत ही आराम से बना सकते हो। इस नाश्ते के लिए आप घर की कोई कटोरी भी सेट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर एक कप लिया है, इसे मैं डाल देती हूँ मिक्सी के जार में। जितना हमने सूजी लिया है उतना ही हमें पानी भी लेना है, तो मैंने एक कप सूजी लिया था तो मैं यहाँ पर एक कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। नाश्ते को और बेहतर बनाने के लिए और फ्लफी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच फ्रेश वाली दही का इस्तेमाल किया है। दही अगर खट्टी भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। नाश्ते को सॉफ्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पर 2 छोटे चम्मच कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जो तेल खाते हैं आप उस तेल को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं, एक स्मूथ सा पेस्ट ले आते हैं। तो ये हमने ग्राइंड करके रेडी कर लिया है और ये अच्छे से पेस्ट इसका तैयार हो गया है, बहुत ही स्मूथ। तो इसे मैं निकाल ले रही हूँ एक बाउल में और इसी में 1/2 छोटी चम्मच नमक डालेंगे और 1/2 छोटी चम्मच मैंने इसमें साबुत जीरा लिया है और इसमें मैंने 1/2 छोटी चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया है और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप चाहे तो पाउडर शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल किया इसलिए उसे घुलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। और इसमें मैंने 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप इस जगह पर इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप 1/2 छोटी चम्मच आप यहाँ पर इनो का इस्तेमाल कर लीजिएगा। ये देखिए हमारी कंसिस्टेंसी, एकदम जो हमारी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ना, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, एकदम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक थाली लिया है। आप चाहे तो कोई केक टिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मोल्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर थाली को अच्छे से ग्रीस कर लिया है ताकि हमारा नाश्ता चिपके ना, नाश्ता आराम से बाहर निकल जाए। तो आप जब भी बनाएंगे ना तो थाली को अच्छे से तेल से ग्रीस कर लीजिएगा। और जो हमने बैटर तैयार किया है सूजी का वो हम डाल लेंगे और बीच मिडल में हमें डालना है, ये अपने आप सेट हो जाएगा। बस जो हमने यहाँ पर मिक्सचर तैयार किया है उसे हम डाल लेते हैं और इसे हल्का सा टैप टैप कर लेते हैं ताकि ये एक जगह पर थोड़ा सा जमा ना रहे, अच्छे से चारों तरफ फैल जाए। और गैस पर मैंने पहले से ही एक कढ़ाई रख लिया था जिसमें मैंने 1 ग्लास पानी डाल दिया है और इस तरह की जो स्टैंड आती है मैंने वो स्टैंड डाल लिया है। आप कोई भी कटोरी घर की रख कर आप रख सकते हैं, थोड़ा नाश्ता देखने में और अच्छा लगे। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दे रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। आप यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर धनिया पत्ता डाल लीजिए, कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं। और इसे मैं ढक दे रही हूँ, ढक कर इसे 10 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। 10 मिनट के बाद देख सकते हैं हमारा नाश्ता भी अच्छे से फूल गया है, फ्लफी हो गया है और ये अच्छे से पक चुका है। मैंने टच करके देखा तो ये हाथ में नहीं चिपक रही है और मैंने फोक भी डालकर देखा, एकदम साबुत आ रही है, मतलब ये अच्छे से पक गई है। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ कढ़ाई से बाहर और इसे हम एकदम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। हमें इसका इसे गर्म में नहीं निकालेंगे, नहीं तो ये टूट जाएगी, हमें इसका साबुत ही निकालना है। बस जब ठंडा हो जाए तो इस तरह से सबसे पहले हमें किनारी छोड़ा लेना है, इसका किनारी जब छूट जाएगी तो ये अपने आप निकल जाएगी। तो इस तरह से मैंने किनारा छोड़ा लिया है और
इसे मैं टैप टैप करके निकाल रही हूँ। अगर आपका नहीं निकलता है तो आप किसी भी करछुल का इस्तेमाल करके इसे निकाल सकते हैं, किनारे से हल्का सा डालकर। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी जाली बनी है, कितना सॉफ्ट बना है। ये तो बिल्कुल पिज्जा जैसा है। इसके ऊपर आप पिज्जा सीजनिंग डालकर पिज्जा की तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पिज्जा कटर से पिज्जा के जैसे पीसेस इसकी कट कर ले रही हूँ। आप यहाँ पर कोई भी चाकू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास पिज्जा कटर थी तो मैंने उसी से इसे कट कर लिया है। तो मैंने यहाँ पर 8 बराबर भाग में इसे कट कर लिया है। देख रहे फ्रेंड्स कितनी अच्छी बनी है, कितनी फ्लफी भी बनकर रेडी हुई है। तो इस नाश्ते का टेस्ट और इन्हेंस करने के लिए मैं यहाँ पर गैस पर रख रही हूँ एक पैन, और उसमें मैंने एक छोटा चम्मच ऑयल डाला है। और बस इसे हम फैला देंगे ऑयल को। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूंगी जो सूजी के पीसेस हमने बनाकर रखा है, उसे हम डालकर दोनों तरफ से अच्छे से सेकना है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसे जो हमें सेकना है तो अच्छे से दबा दबा कर इसे सेकिएगा। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक साइड कितनी अच्छी सी कलर आ गई है, तो दूसरे साइड भी, तो उतना ही हमें अच्छे से कलर ले आना है। तो आप देख सकते हैं दूसरे साइड भी बहुत अच्छे से ये सिक गई है। गर्मा गर्म ये अंदर से सॉफ्ट और बाहर से कुरकुरी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। आपको मैं पास से दिखा रही हूँ, देखिए कितना अच्छा ये हमारा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। और झटपट ये बन भी गया है, 10 मिनट में सारे काम निपट गए हैं। तो बस आप इस नाश्ते को सॉस के साथ, हरी चटनी के साथ, किसी भी के साथ खाइए, इंजॉय कीजिए। आप अगर बच्चों को लंच बॉक्स में देंगे ना, उन्हें भी बहुत पसंद आएगा। बहुत ही हल्का फुल्का है, बहुत ही कम तेल का है और बहुत ही स्वादिष्ट है। एकदम लगेगा कि हम ब्रेड खा रहे हैं। एक मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कि कितना जालीदार स्पंजी बनकर रेडी हुआ है। देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना जालीदार ये बना है। तो अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिल सके। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।